Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Last week hey students, today is our math class. आज हम math की class में shapes के बारे में पढ़ेंगे. In previous class, you have also learned different shapes like square, circle, triangle, rectangle. ये बेसिक जो आपके शेप से ये आप पहले पढ़ चुके हैं. आज की क्लास में हम बुक मैथ की बुक का पेज नंबर 189 पे क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड का मतलब क्या होता है? फोर. क्वाड्रिलेटरल्स शेप्स विथ फोर साइडेड्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स. वो शेप जिनकी फोर साइडेड होती हैं वो क्या कहलाते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स. आज हम क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि फोर साइडेड शेप्स जो होती हैं उनकी डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारे पास ये शेप आप देख रहे हैं. कौन सी शेप है ये? आई एम अ स्क्वायर. आई हैव फोर साइडेड एंड फोर कॉर्नर्स. स्क्वायर की फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स होते हैं जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है. ऑल माय साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड स्टैंड स्ट्रेट. स्क्वायर की चारों साइड्स वो आपस में इक्वल होती हैं एंड ये स्टैंड होती हैं, मतलब स्ट्रेट यानी कि सीधी होती हैं. ये लाइंस आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं. ये है स्क्वायर. इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट शेप है रेक्टेंगल, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं. आई एम अ रेक्टेंगल. आई हैव फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स. रेक्टेंगल के भी फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स होते हैं. माय ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो फोर साइड्स में जो आपस में ऑपोजिट साइड्स होती हैं, लाइक इसका ऑपोजिट है ये, कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं और ये इसका ऑपोजिट ये है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है. आई स्टैंड स्ट्रेट लाइक अ स्क्वायर. रेक्टेंगल भी स्क्वायर की तरह स्ट्रेट होता है बट My length is different from my width. Rectangle की लंबाई चौड़ाई से ज्यादा होती है. लंबाई में और चौड़ाई में difference होता है, यानी कि वो एक दूसरे के equal नहीं होती. इसके बाद third shape है हमारे पास. देखिए ये भी four sided shape ही है. I am a rhombus. इस shape को क्या कहते हैं? Rhombus. Perhaps you have seen me in a pack of cards. There I am called a diamond. Pack of cards के अंदर आपने देखा होगा, उसमें क्या कहते हैं इस शेप को? डायमंड कहते हैं. आई हैव फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स. इसके भी फोर साइड्स और फोर कॉर्नर्स होते हैं. ऑल माई साइड्स आर इक्वल. और इसकी भी फोर साइड्स आपस में इक्वल होती है, लेकिन इसकी लाइन इस तरीके से स्ट्रेट नहीं है जैसे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल की होती है. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शेप है. आपको ये लाइक रेक्टेंगल लग रही है लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताती हूँ. आई एम अ पैरालेलोग्राम. इस शेप को क्या कहते हैं? पैरालेलोग्राम. आई हैव फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स वर्टेक्स. इसकी भी फोर साइड्स हैं और फोर इसके कॉर्नर्स हैं. बट अनलाइक स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स आई लाइक टू लीन. इसमें क्या डिफरेंस है कि इसकी लाइंस स्ट्रेट नहीं है. ये आपको रेक्टेंगल की तरह शेप दिख रही है लेकिन रेक्टेंगल की स्ट्रेट लाइंस होती हैं, इसकी लाइंस स्ट्रेट नहीं होती. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शेप है. इस शेप को देख के आपको अंदाजा हो रहा है कि ये किस टाइप की शेप है, आप इसको फौरन पहचान लेंगे. आई एम श्योर यू नो मी. आई एम अ काइट.
ये शेप है काइट की। आई हैव फोर साइडेड एंड फोर कॉर्नर्स, इसके भी फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स हैं। कैन यू सी हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम रम्बस, क्या आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से रम्बस से डिफरेंट हूँ। रम्बस के फोर साइड्स इक्वल्स थी और इसकी फोर साइड्स इक्वल्स नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा इसका डिफरेंट है। तो आज की क्लास में हमने ये शेप्स पढ़ी। सबसे पहले स्क्वायर, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल, ये वो शेप्स हैं जो आप इन प्रीवियस क्लास इसको स्टडी कर चुके हैं। आज जो हमने न्यू जो शेप्स पढ़ी है वो है रम्बस, पैरेललोग्राम एंड काइट। आइए इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको पेज नंबर 188 पर ये कुछ शेप्स दी गई हैं। नेम ईच ऑफ दीज शेप्स, यहाँ पर आपको कुछ शेप्स दी गई हैं जिसके आपने नेम लिखने हैं। सबसे पहली शेप हमें क्या दी गई है, अभी हमने जो रीड आउट किया है उसमें ये क्या, कौन सी शेप है, ये पैरालेलोग्राम। ये शेप है हमारे पास पैरालेलोग्राम, इसकी फोर साइडेड है लेकिन स्ट्रेट नहीं है, ये लाइक आपको रेक्टेंगल की तरह दिख रही है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसके बाद सेकंड शेप कौन सी है हमारे पास, ऑल फोर साइड्स एंड कॉर्नर्स आर इक्वल्स स्क्वायर। नंबर सी पे जो आपको शेप दी गई है ये क्या है, ट्रायंगल। डी पे आपको जो शेप दी गई है ये क्या है, काइट, ये कौन सी शेप है, काइट। ई पे है रम्बस। एफ में हमारे पास है रिक्टेंगल। एन जी पे है हमारे पास अगेन कौन सी शेप है, ये पैरालेलोग्राम। अब आपने इन शेप्स को अपनी कॉपी में आपने शेप्स का टाइटल पेज बनाना है और उस टाइटल पेज बनाने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपने ये शेप्स ड्रॉ करनी है और उसके बाद उसके नाम इसी तरह से लिखने हैं जिस तरह से आपको बुक में दिया गया है। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। Thank you.